जहरुल्ला है और मैं रहती हूँ मोई फंक्शन हॉल का अकबर कॉलोनी मैलादेपल्लीगंज। और यहाँ पर हमारे आपके पापा को किडनैप करके ले गए? नहीं नहीं नहीं, लेके गए, झूठे कंप्लेन है। और मैं मेरे मर्जी से गया और मेरे पापा है, कोई भी अपने बेटे को कोई भी किडनैप नहीं कर सकता, ये गलत इंतजाम है। बेटा आपके पापा किसी के दबाव में आके आपको डराए करे क्या? नहीं नहीं, अब तक कुछ भी नहीं करे, मारे भी नहीं। तो कौन डरा रहे थे आपको फिर? मोहम्मद उमर उल हक उन्होंने डरा रहे थे। और बात मैं कभी शरारत करता था तो मेरी कमजोरी इन्हों थे, इसको मार दे तुम जान से, वो बोल के ऐसा बोलते थे। आप लोग को जब होटल में थे, आप अपने मम्मी और पापा के साथ में एक ही रूम में थे? हाँ थे। क्या होता था वहाँ? उमर उल हक और हमारे मम्मी गंदा काम करते थे और जो है सो हमारे पापा को जो है सो धमकिया देता था चाकू लगा के। और एक बार तो फ़ोन पे बोला किसको कि वो 10 लाख रुपए देता हूँ हमारे दादी मेरे दादी और दादा और हमारे तायबा का मर्डर करा दो बोल के, ऐसे बोले उन्होंने इंजाम ऐसा बोल गए। भाई मेरा नाम अजमतुल्ला है, मैं आज जो सो सीपी साइबराबाद स्टीफन रविंद्र साहब के सीपी कन भी कंप्लेन दिया और डीसीपी साहब कन भी जाकर कंप्लेन दिया और अब मैं मलारदेपल्ली सीए साहब के नया सो हूँ। एक शख्स है उसका नाम है उमर उल हक, पेशे से वो एडवोकेट है, वो उसके नाम पे धब्बा है, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरी मेरी बीवी की और मेरे बेटे के 10 साल का, जो उसे एक साल से इतना टॉर्चर कर, 1.5 साल तकरीबन इतना टॉर्चर करा कि मैं हद से बता नहीं सकता हूँ। उससे मार्च में मिला मैं, जो सो मेरी बीवी की थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज करता हूँ बोल के मेरे बीवी के साथ जो है गलत रेपिंग के रेप करा, समझिए ना, गलत हरकत करा, कई होटलों को गया उन्हें मेरे ये बीवी के साथ, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे लेके और मेरा पूरा पैसा खा लिया उन्हें और कई बॉन्ड पेपरों पे मेरे से 2600 रुपये के बॉन्ड पेपरों पे जो है सो ब्लैंक थंब इम्प्रेशन लेके और जो है सो सिग्नेचर कराया, मेरे चेकबुक ले लिया, मेरे पासपोर्ट आए, मेरे बच्चे के पासपोर्ट, मेरे बीवी का पासपोर्ट, मेरे जो है सो 50 लाख रुपये खा लिया और जो है सो मेरे क्रेडिट कार्ड पूरे स्वाइप कर लिया उन्हें। उसकी होटल थी रॉयल फूड कोर्ट बोल के चंद्रांगुटे पे, मेकन पूरा एविडेंस के साथ ही है और मेरे को इंसाफ था हुकूमत से और मेरे बच्चे को मेरे को जान को देता है। और ओलंपिया होटल इन बोल के आरामगढ़ पे है, जो है सो उन्हें हम लोग किडनैप करके रखा था, किडनैप बोलते जाने देता आता था लेकिन मैं भाग नहीं सकता था, कहीं को बोलता हूँ जान के धोखा था, हमेशा मारे तुम बोलता था और वीडियो कॉल में गन दिखाया मेरे बच्चे को, मेरे को मेरे बच्चे से भी आप स्टेटमेंट ले सकते, बहुत तकलीफन में बहुत परेशान, मेरी जान को धोखा है, मेरे भाई मेरे वालदा मेरे वालिद साहब मेरे भौनियों को हमेशा बोलता इन्हें पहचानता उन्हें पहचानता बोल के और एक स्माइल मर्डर बोल कभी भी उसकी धमकी देता हूँ उन्हें। और आप मिले कैसा उससे और ये उसकी वजह क्या है, क्यों आप उसी दबाव में क्यों आए? उसके भवानी मैं एक मेरी बी हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे 2016 को आए थे, ऐसे दो साल के बाद जो सब मेरी बीवी की दिमाग हालत ठीक नहीं थी तो मैं मुर्शिदगंज गया था एक बेगमपेट पे, तो उनकन से जो है उनके भवानी साहब मिले थे मोइन बोल के, मोइन बोल से इनसे उमर उल हक से मिलाए थे मेरे को, तो उनसे मिले तो तकरीब तो ना बोले कि ऐसा मैं इलाज भी करता हूँ, मैं हाफिज़ हूँ बोल के करे समझो ना। अभी आपके वाइफ आपके साथ है? नहीं मेरे वाइफ साथ नहीं है, मेरे को ज़बरदस्ती चाकू के दम पे रखे मेरे वाइफ से खुला दिया, मैं नहीं देना चाह रहा था और वो भी 12 बजे खादियाम को होटल पे बुला के ज़बरदस्ती 15,000 रुपये दे के खुला के नाम पे साइन कराया और सर्टिफिकेट भी उसके नीचे पूरे खुला नाम के, मेरे को एक बेटा है और हर चीज़ लिखा लिया मेरे से, नाम मार दिया, अगर मैं नाम मार तो बेटा कैसे पैदा हुआ भैया? अब मेरे बेटे से पूरा स्टेटमेंट ले सकते हैं, मेरी ज़िंदगी का पूरा हाल, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ था, उसको पूरा मालूम, बोलो बेटा साथ में आपके। हमेशा हमेशा ऑस्ट्रेलिया में उमर लोग आपके साथ थे? नहीं नहीं थे ना, यहीं मुलाकात थी उनसे, यहाँ उसके ऑफिस पे मोइन भाई ले आके मिलाए, वादिया फरान में रहता उन्हें बल्लागुड़ा, अभी खाली करके गए मैं यहाँ पर नहीं, राजेंद्र नगर में एक मकान है, उसके पहली बीवी उसके वालदा उन्हें रहते, उसको 3 बच्चे ऑलरेडी शादीशुदा है, शादी कर लिया बोल रहा उन्हें मेरे, लेकिन पता नहीं वो उन्हें कराने करा, लेकिन होटल में 2 महीने रखे तकरीबन। कैसा क्यों रखे आपको? वही मेरे को दवा में रखा कि मार देता हूँ तेरे भाई को, तेरे को मार दो, तेरे बच्चे को मार देता हूँ, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पासपोर्ट चेकबुक आपके साथ में थी जब होटल में रखे खुद? हाँ सामने ही, दोनों के सामने जो सेक्स करता था ना, मेरा बच्चा भी गवाह है, एक ही रूम में 4 जने सोते थे हम लोग, दोनों बेड पे उन्हें सोते थे, एक बेड पे हम सोते थे, मेरे बच्चे के सामने गंदा काम करा ना, पूछ सकते हैं उससे। आप खामोश क्यों बैठे थे? मैं नहीं, मैं खामोश इसलिए बैठा कि उन्होंने कई बार मेरे को मारा, मारने का कई जगह से सुमसान जगह पे लेगा मारता हूँ बोल के, गले पर बालापुर जगह ले गया, शमशानबाद की जगह, अपने गंडी पेट की जगह ले गया उन्हें और जो है मेरे भाई वालदा को सबको मार देता हूँ, बोला भोनिया को अगर तू बोला तो कोई पूरे पहलवानों के जाने पहलवानों के नाम लेता उन्हें,
मैं नामा लिया था, जो बोले बेटा पूरा मेरे बेटा में ले गया उन्हें होटल के नामा के साथ में, कहीं एविडेंस के साथ भी है, और पार्क हयात गच्ची बोली पे भी ले गया बीवी को, और जो सो शेरिटन होटल है गच्ची बोली पे वहाँ ले गया, और मुरुगन सागर रोड अपना नेशनल डियर पार्क वहाँ ले गया। हाँ मेरे को बाहर खड़ा कर रहता था डरा डरा के, इला दोनों रूम में जाते थे क्या क्या कि बाथटब में पैरा रख के दुआ पढ़ के क्या कि सुनाता था, उन्हें बेहोश आते थे वो समझिए। और मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा था मेरे 35 लाख रुपए, जो सो ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस के आता था, घर पे भी आके वही काम करता था, रूम में मेरे को मेरे बच्चे को हाल में भेज सकता, उसको भी पूछ सकते आप। एक बात ऐसा मेरे को झूठ बोले करना परसों में, और पैसे लाए थे बिल्डर अंकल कम से, और बोले कि हमारे तुम्हारे बाप के पैसे है, मैं इन्वेस्टमेंट करा था वो जबरदस्ती। अब तक मेरे 50 लाख रुपए खाली होने, 50 से 60 लाख। आप बोल रहे हैं अभी होटल में आपके जो एक्स अहलिया थे उन होटल में साथ में रूम में जाके थे, तो ये काम दोनों की रजामंदी से होता था या प्रेशर में होता था? मेरे को तो दबा के उनको भी प्रेशर करता था कि तेरे शोहर को मारे तू, मैं तेरे बेटे को मारे तू, चल बोल के जबरदस्ती लाता था। किसके साथ है? उसके साथ ही थे। जैसा कि आप बोल रहे हैं प्रेशर में नहीं थे, प्रेशर में रह के नहीं, उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं है उनकी तरह, वाइफ की। हाँ उनको कहाँ पर किसी जगह पर कंप्लेंट ली है आप? मैं देखिए सीपी साहब का लिया, स्टीफन रविंद्र साहब का ने, और दो से DCP जगदीप सर अपना शमशाबाद, और मैं CA साहब का ने, खास DCP से आप साहब जो है सिप साहब जो है फोन करके बोले अपने CA साहब, अभी हमारे पल्ली PS था। मैं जो 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा था बोल के, उसमें से जो है रमजान में ज़बरदस्ती मेरे को करके जो है मेरे दोस्त कन बिल्डर कन ले आके 20 लाख रुपए लिया, 15 लाख कैश लिया, और 5 लाख रुपए का चेक विड्रॉ करा, फिर परसों जाके फिर 5 लाख लिया जून में, ये जुलाई में, और 2 लाख 27 लाख रुपये उनकन से ले लिया, और मेरे पूरे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा, पूरा एविडेंस है मेरे उसकी फोटो थी, पूरे मेरे अब तक 10 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड थे पूरे स्वाइप कराने, और पूरा बीवी का सोना रैन में, वो पूरे A to Z एविडेंस है मेरे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कहाँ के? मैं मुखामी हैदराबाद का। उनका चैनल वगैरह भी था क्या? हाँ उनका नाम, उनका चैनल भी था एक यूनिवर्सल न्यूज़ बोल के। कब बना हुआ चैनल? वो चैनल बनो के 6 महीने और शायद, उन्होंने एडवोकेट के नाम पे धब्बा है साहब, पूरे एडवोकेट के नाम भी ख़राब होता, उन्होंने बोलते लेकिन अब क्या मुतालबा करना। हाँ हुकूमत से ये चाह रहा हूँ कि मेरी जान को धोखा है, मेरे वालिद, मेरे भाई, मेरे वालदा और मेरे बच्चे मेरे को। मैलरदेपल्ली में किस एरिया में रहते थे? अब मैलरदेपल्ली में अकबर कॉलोनी का मोटापल्ली, मोटापल्ली, मोटापल्ली। पूरा भरोसा कि पुलिस मेरा साथ दी, एक बोलते पूरे एविडेंस में सच्चाई पर लड़ रहा हूँ, बुनियाद सच का साथ देंगे, अल्लाह ताला मेरे को इसमें सच की जीत देंगे इंशाल्लाह।